हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करेंगे हम चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इससे पहले जो इंटेक्स क्वेश्चन आंसर्स है वो सोल्व कर चुके हैं हम दूसरे वीडियो के अंदर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो, रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। आपको नीचे कुछ एक्टिविटीज बताई गई हैं, जैसे कि सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड या डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। तो आप इन एक्टिविटीज़ को आपको रीड करके आपको बताना है किस एक्टिविटी में साइंस के अकॉर्डिंग वर्क हुआ है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क हुआ है और किस में वर्क नहीं हुआ है। तो फर्स्ट देखिए, सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। सुमा क्या कर रही है, एक स्विमिंग पूल के अंदर, पॉन्ड के अंदर स्विमिंग कर रही है। तो यहाँ पे वर्क हुआ है या नहीं हुआ है, तो देखिए साइंस के अकॉर्डिंग वर्क किसको बोलते हैं, वर्क क्या होता है, जब फोर्स लगाया जाए और फोर्स लगने से क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो। मींस अकॉर्डिंग टू साइंस वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसी ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाया है या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया गया है और उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो जाए, चेंज हो जाए, वो डिस्प्लेस्ड हो जाए, वो ऑब्जेक्ट अपने प्लेस से, वो अपने प्लेस को चेंज कर जाए, जहाँ था उससे किसी दूसरे प्लेस पर वो पहुँच जाए। तो यही बताया गया आपके फर्स्ट पार्ट में। देखिए सुमा वर्क कर रही है यहाँ पे, क्योंकि वो क्या कर रही है, स्विमिंग कर रही है। किसकी एप्लीकेशन से, फोर्स की एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहाँ लगाया है, उसने हाथ से लगाया है और पैरों से लगाया है। किसके ऊपर लगाया है, वाटर के ऊपर, और वाटर रिटर्न में उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से वो क्या कर रही है, आगे मूव कर रही है। तो यहाँ पे फोर्स भी लगाया सुमा ने, हाथों और पैरों से फोर्स लगाया है, डिस्प्लेसमेंट भी हुई है उसकी। क्यों, क्योंकि जिसके ऊपर फोर्स लगाया वाटर के ऊपर, उसने अपोजिट फोर्स भी लगाया सुमा के ऊपर, तो यहाँ पर वर्क डन हुआ है। दूसरी सिचुएशन देखिए क्या है, अ डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। एक डोंकी ने लोड को कैरी किया हुआ है उसके बैक के ऊपर। तो देखिए डोंकी की यहाँ पे फोर्स तो लग रहा है उसके ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर क्या कर रखा है, लोड डाल रखा है उसके बैक के ऊपर, उसके पीठ के ऊपर, लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है वहाँ पे। जैसे मान लिया ये डोंकी है, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, लोड डाला हुआ है, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स लग रहा है, और जब डिस्प्लेसमेंट और जब फोर्स, ठीक है, जब क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो उस सिचुएशन में कोई भी वर्क डन नहीं होगा। तो यही बोला गया आपको, डोंकी इज नॉट डूइंग वर्क एनी एज द वेट ही इज कैरिंग एंड द डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो वेट है उसकी कमर पे और जो उसकी बॉडी की पोजीशन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं हुआ। और एक तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डोंकी है उसकी डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हुई है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, कोई वर्क डन नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। विंड मिल से क्या किया गया है, पानी उठाया गया है ऊपर की तरफ कुएं से। तो पानी की जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, वर्क डन हुआ है। आप बोल सकते हैं यहाँ पे किसके अगेंस्ट वर्क डन हुआ है, ग्रेविटी के अगेंस्ट, क्योंकि वाटर को लिफ्ट करके उसकी डिस्प्लेसमेंट करवाई गई है। और विंड मिल ने लिफ्ट किया, तो विंड मिल ने क्या किया, फोर्स भी लगाया है, डिस्प्लेसमेंट भी हुई है। नेक्स्ट पार्ट, अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटोसिंथेसिस करते वक्त प्लांट किसी तरह का कोई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं करते, तो इसलिए वर्क डन वहाँ पे क्या हो जाएगा इस सिचुएशन में, जीरो। अ ट्रेन इज, इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन, एक इंजन ट्रेन को पुल कर रहा है, तो यहाँ पे इंजन ने फोर्स लगाया ट्रेन के ऊपर और जिसकी वजह से जो इंजन है उसने क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट की है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, आपका वर्क डन हुआ। नेक्स्ट आपका, फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। हमने क्या किया है, जो फूड ग्रेन्स है, जो अनाज है, उसको हमने धूप के अंदर सूखने के लिए रख दिया गया है उसको। तो यहाँ पे क्या, जो फूड ग्रेन्स है, क्या यहाँ पे उनके ऊपर कोई फोर्स लगा या कोई वर्क डन हुआ, यहाँ पे नहीं, ना कोई फोर्स लगा है ना कोई डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं है। नेक्स्ट, अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। सेल बोट है जो मूव कर रही है हवा की एनर्जी की वजह से, तो उस टाइम पे आप बताएंगे क्या वर्क डन है, यस, क्योंकि सेल बोट पे फोर्स लग रहा है और सेल बोट क्या कर रही है, मूव कर रही है किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हवा उसके ऊपर फोर्स लगा रही है, तो यहाँ पे भी क्या आपका वर्क डन है, मीन्स फोर्स लगाने से क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क डन। तो फर्स्ट पार्ट में आपको यही बताना था। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ एंड फॉल बैक टू द ग्राउंड। कोई ऑब्जेक्ट है उसको नीचे से ऊपर फेंका गया है, ठीक है, और वो कर्व्ड पाथ में मूव किया वो ऑब्जेक्ट, और दोबारा कर्व्ड पाथ में मूव करने के बाद वो कहाँ पे आ गया, ग्राउंड पे वापस आ गया है।
द फाइनल इनिशियल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑब्जेक्ट लाइन ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन. जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है जो उसने पाथ कवर किया है ऑब्जेक्ट ने, वो एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे है. तो वर्क डन क्या होगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी का ऑब्जेक्ट के ऊपर. ठीक है, आपको बताना है कि ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना वर्क डन करेगी. तो देखिए, एक बार तो ऑब्जेक्ट को क्या किया गया है, ऊपर फेंका गया है, तो उस टाइम पे वर्क डन क्या होगा? ग्रेविटी का नेगेटिव होगा, क्योंकि ग्रेविटी तो क्या करती है, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है. ठीक है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाने के बाद कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो उसके ऊपर वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि ग्रेविटी उसके ऊपर वर्क कर रही है, पॉजिटिव वर्क कर रही है. तो देखिए, टोटल वर्क जो होगा हमारे इस मोशन के दौरान, वो क्या होगा? जीरो होगा. क्यों? क्योंकि एक बार तो ग्रेविटी ने नेगेटिव वर्क किया है, एक बार ग्रेविटी ने कैसा वर्क किया है, पॉजिटिव वर्क किया है. तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? नेगेटिव वेस्ट पॉजिटिव कैंसिल होकर टोटल वर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे? जीरो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस. एक बैटरी की वजह से एक बल्ब जल रहा है, तो कौन सा एनर्जी चेंज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है? तो देखिए, बैटरी के अंदर क्या भरा हुआ है? केमिकल. केमिकल को किसके अंदर बदला जा रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर. केमिकल एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है यहाँ पे? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर. दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज फर्दर कन्वर्टेड इन टू द लाइट एंड हीट एनर्जी. फिर ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो बल्ब जिसकी वजह से आपको ग्लो करता हुआ नजर आ रहा है, वहाँ पे आपको क्या नजर आ रही है? बल्ब से लाइट निकलती हुई नजर आ रही है, हीट निकलती हुई आपको वहाँ पे फीलिंग हो रही है हीट निकलने की. तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई है? लाइट और हीट एनर्जी में. यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में कन्वर्जन ही बताना था, किस एनर्जी का किस एनर्जी में कन्वर्जन हुआ है. नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है ये. कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 20 किलोग्राम मास चेंजेज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 meter per second टू 2 meter per second. कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स. तो देखिए, आपको वर्क डन निकालना है. वर्क डन आपको निकालने के लिए यहाँ पे वर्क डन किसके इक्वल दिया गया है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की बात की गई है, उसकी वेलोसिटी की बात की गई और मास की बात की गई है. आपको पता है, जब आपको मास और वेलोसिटी का पता हो तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है? हाफ एम वी स्क्वेयर. ये किसका फॉर्मूला है? काइनेटिक एनर्जी का. आपको मास भी गिवन है, आपको वेलोसिटी भी गिवन है. अब देखिए, आपके पास कितनी वेलोसिटीज है? दो वेलोसिटी है, एक इनिशियल वेलोसिटी है 5 meter per second, एक फाइनल वेलोसिटी है 2 meter per second. तो जब आपको दो वेलोसिटी गिवन है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी भी कितनी निकालनी पड़ेगी? दो निकालनी पड़ेंगी ना. एक तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो स्टार्टिंग में है आपकी, जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट इनिशियली मूव कर रहा है. दूसरा आपको निकालनी है काइनेटिक एनर्जी फाइनल. जब आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे तो फाइनल वेलोसिटी यूज करेंगे, जब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो आप इनिशियल वेलोसिटी यूज करेंगे. और दोनों का आप क्या कर देंगे? डिफरेंस कर लेंगे, चेंज चेक कर लेंगे, और उस चेंज से हमें पता चल जाएगा कितना वर्क डन हुआ है वेलोसिटी चेंज होने के टाइम पे. तो देखिए, अब आपको सबसे पहले मास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है. वर्क डन किसके इक्वल होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे. तो देखिए, आपको क्या करना है, जहाँ पे आपको ये जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है वो किसके इक्वल होता है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल में से आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको माइनस करनी होगी. फाइनल में से आपको क्या माइनस करना है? इनिशियल को. तो फाइनल यहाँ पे वी स्क्वेयर लिखा जाएगा और इनिशियल यहाँ पे यू स्क्वेयर लिखा जाएगा. मास तो कॉमन ही होगा, मास कितना था? 20 किलोग्राम. यहाँ पे आपको वी स्क्वेयर लिखना है, यहाँ पे आपको यू स्क्वेयर लिखना है. अब देखिए, यू तो कितना था आपका? 5 था. ठीक है, और इनिशियल जो आपका फाइनल था वो कितना था आपका? 2 था. यहाँ पे 2 का स्क्वेयर आ जाएगा, मींस जो आपको यू था वो वी में बदल देना है और जो वी था आपको यू में बदलना है. यहाँ पे कितना आएगा आपका? 5 का स्क्वेयर. ये 2 का स्क्वेयर और ये 5 का स्क्वेयर. जब इसको आप आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2. 20 ये मास है हमारा. अब 2 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा? 4. माइनस 5 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा? 25 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? आपके पास आएगा यहाँ पे माइनस का 21. ये ध्यान रखना आपको. देखिए, जो आंसर यहाँ पे आपको प्लस में गिवन था, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वो कम हुई है, इसलिए जो आपका आंसर है वो किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा. तो ये 2 20 को 10 पे कैंसिल कर देगा,
तो -21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, -210। बस आपको चेंज क्या करना है, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है उसको इनिशियल की जगह पे यूज़ करना, और जो इनिशियल है उसकी जगह पे आपको फाइनल को यूज़ करना, मतलब 2 के प्लेस पे 5, 5 के प्लेस पे 2। बाकी ठीक था आपका ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आंसर जो आपका ना वो माइनस में आना चाहिए। और यूनिट क्या होती है काइनेटिक एनर्जी की, जूल ही होगी आपकी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की यूनिट भी क्या रहेगी, जूल रहेगी, और वर्क डन भी आपका किस में आएगा, जूल में आएगा। मैं आपको इंडेक्स क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि जो वर्क है और जो एनर्जी है उन दोनों की जो यूनिट है वो क्या है, जूल है। चाहे कोई भी एनर्जी हो आपकी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, आपको याद रखना है यहाँ पे जो एनर्जी और वर्क की यूनिट है वो क्या है, सेम है, जूल। इस क्वेश्चन को कर लेंगे आप थोड़ा सा मैनिपुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। अ मास ऑफ 10 किलोग्राम इज एट अ पॉइंट ए ऑन अ टेबल, इट इज मूव टू पॉइंट बी। इफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सप्लेन योर आंसर। तो इसको आप डायग्राम से समझिए क्या है यहाँ पे डायग्राम। यहाँ पे बोला गया आपको एक कोई भी, यहाँ पे हमने टेबल ले ली है, टेबल लेने के बाद यहाँ पे बोला गया कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम क्या दिया गया है, ए, जिसको बोला गया है यहाँ पे ले लिया हमने, एक पॉइंट पे बोल दिया इन्होंने, ए पॉइंट पे, टेबल की ए पॉइंट पे है ये। और यहाँ पे जो इस ऑब्जेक्ट का मास है वो कितना है, 10 किलोग्राम। इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाया गया हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली का मतलब है ऐसे ही इसी लाइन पे, इसी टेबल पे। यहाँ पे मान लिया वो बी पॉइंट पे आ गया है, यही सेम ऑब्जेक्ट है हमारा जिसका मास कितना है 10 किलोग्राम, सेम ही मास होगा ऑब्जेक्ट का। तो आपको बताना है कि कितना वर्क डन हुआ है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहाँ पे कितना वर्क डन हुआ। तो देखिए इस क्वेश्चन को, अब देखिए जो वर्क डन होगा वो कैसे होगा, हम फोर्स चेक करेंगे और डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी क्या करती है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, नीचे की तरफ खींचती है। ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में है, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है फोर्स के। तो देखिए इस डायरेक्शन में तो आपका फोर्स लगा हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच का जो यहाँ पे हमें क्या नज़र आया है एंगल, उनके बीच का, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो जब भी हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है उस टाइम पे हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, वर्क डन क्या हो जाएगा वहाँ पे, जीरो। क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन में जीरो क्यों होगा, तो रीड कीजिए इसको। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। क्यों होगा जीरो, क्योंकि जो डायरेक्शन है फोर्स की, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो नीचे की तरफ लग रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे हो रही है, हॉरिजॉन्टल। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते एक दूसरे के, इस डायरेक्शन में होंगे, परपेंडिकुलर होंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, 90 का एंगल बनाएंगे, तब वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीज प्रोग्रेसिवली, डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हाई। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा है कि जो एनर्जी है वो ना तो क्रिएट होगी ना उसको हम क्या कर सकते, डिस्ट्रॉय कर सकते। एक फॉर्म से एनर्जी को हम दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो मेरी बॉडी की जो एनर्जी है, जो फूड एनर्जी है, वो किसने कन्वर्ट हो रही है यहाँ पे, साउंड एनर्जी में, एयर में जाके वाइब्रेशनल एनर्जी। तो होता क्या है कि जो एक फॉर्म है एनर्जी की वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कोई ऑब्जेक्ट है अगर उसको फ्री फॉल करवाया जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ उसको फेंका गया है, तो उस टाइम पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आना वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, उसको गलत प्रूव कर रहा है यहाँ पे। तो देखिए क्या है, हमने यहाँ पे ये तो ठीक पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट की डिक्रीज हो रही है, लेकिन जब वो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो उसके साथ में कौन सी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, इन दिस वे द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, आपको ध्यान रखना है कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होगी, जो मैकेनिकल एनर्जी होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके सम के इक्वल होगी। हम बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और जो इसका सम रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर ये 5 है ये 4 है तो हमारे पास जो सम आएगा वो कितना हो जाएगा, 9।
अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब इन दोनों का जो वैल्यू है, जो टोटल है, वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। हो सकता है एक वैल्यू कम हो जाए, जैसे मान लिया काइनेटिक एनर्जी 1 हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, क्योंकि दोनों का जो सम है वो हम कितना लेके चल रहे हैं यहाँ पे, 9 लेट करके चल रहे हैं कि 9 होगा तो उस टाइम पे क्या होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी 4 है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी 5 है। अगर हमारी काइनेटिक एनर्जी 2 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, लेकिन दोनों का जो जोड़ है वो कितना रहेगा, हमारा 9 ही रहेगा, कॉन्स्टेंट ही रहेगा। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कोई वॉयलेशन नहीं हुआ हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। एनर्जी जब ऊपर से नीचे गिराई गया था ऑब्जेक्ट को, तो पोटेंशियल एनर्जी तो कम हुई, ठीक है, ये हमने मान लिया पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, लेकिन साथ में कौन सी एनर्जी बढ़ गई है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि टोटल होता है मैकेनिकल एनर्जी, वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डेट ओकर व्हेन यू आर राइडिंग ए बाईसाइकिल। जब आप साइकिल को चला रहे हो तो उस टाइम पे कौन सी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तो सबसे पहले देखिए आपकी मसल्स की एनर्जी, आप में पावर होगी, आपने खाना खाया होगा तभी तो आप साइकिल को राइड कर पाएंगे ना, आपके अंदर कुछ एनर्जी होगी, तो कौन सी एनर्जी लगेगी आपकी बॉडी की वहाँ पे, मस्कुलर एनर्जी। कौन सी एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी। तो आपकी जो मस्कुलर एनर्जी है, ठीक है, आपकी जो मस्कुलर एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी, रोटेशनल एनर्जी। किसकी रोटेशनल एनर्जी, व्हील्स ऑफ साइकिल, साइकिल के व्हील्स की रोटेशनल एनर्जी में। फर्दर वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि साइकिल चलेगी तो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। मीन्स मस्कुलर एनर्जी कन्वर्ट हुई आपकी किस में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील ऑफ द साइकिल, और फिर से दोबारा कन्वर्ट हुई आपकी साइकिल की एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी के अंदर, मतलब मस्कुलर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, सिंपली आप यहाँ पे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक विद ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव इट, वेयर इज द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग। देखिए मान लिया कोई पत्थर है या कोई बहुत बड़ी चट्टान है, ठीक है, बहुत बड़ा रॉक है, कोई ह्यूज रॉक बोला है इन्होंने, आपने उसको पुश करना है, ठीक है, आपने अपने हर एफर्ट लगा लिए उसको धकेलने के लिए, लेकिन आप फेल हो गए हैं उसको मूव करवाने में, तो आप क्या करेंगे, आपकी जो एनर्जी है कहाँ गई वो, ठीक है, जो एनर्जी आपने लगाई थी दीवार को धकाने के लिए, तो एनर्जी कहाँ पर स्पेंड हुई आपकी। तो देखिए यहाँ पे बोला गया कि जो हमारी बॉडी की जो कुछ एक एनर्जी है वो चली गई है हमारे रॉक के अंदर, किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और जो कुछ एक हमारी एनर्जी है वो चली गई हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि हमारी मसल्स ने और जो सरफेस है किसका, रॉक का और हमारे हाथ का, उनके बीच में क्या हुआ है, उनके बीच में क्या हुआ है? मतलब एक दूसरे के बीच में यहाँ पे भी फोर्स लगा है हमारे हाथों की मसल्स, क्योंकि हमने हाथ से ही धकाया है ना किसको, रॉक को, और किसका सरफेस, जैसे मान लिया ये रॉक है और ये हमारी हैंड है, तो इनके बीच में क्या हुआ है, कॉन्टैक्ट हुआ है, तो यहाँ पे भी कुछ हमारी एनर्जी क्या हुई है, ट्रांसफर हुई है। तो एक तो कुछ एनर्जी तो हमारी कहाँ चली गई है, यहीं चली गई है रॉक के अंदर ही, किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और कुछ एनर्जी हमारी कहाँ चली गई है, जहाँ पे मसल्स और जो सरफेस था रॉक का और हमारे हाथ का जहाँ पे कॉन्टैक्ट हुआ था, वहाँ से एनवायरमेंट के अंदर भी हमारी कुछ एक एनर्जी ट्रांसफर हुई है। तो आप बोल सकते हो कि आपकी एनर्जी कहाँ गई है, कुछ रॉक के अंदर गई है, कुछ एनवायरनमेंट के अंदर गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अ सर्टेन हाउस होल्ड कैन कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल। आपको बोला गया कि आपके घर पे कोई भी आइटम है, ठीक है, वो एक महीने के अंदर कितनी एनर्जी या कितनी यूनिट यूज करता है, 250 यूनिट एनर्जी की, तो आपको बताना है कि वो जूल में किसके इक्वल होगा। तो एक तो देखिए आप इसको कैसे याद रखेंगे कि जो आपका 250 जूल है, सॉरी 250 यूनिट है, उसको आप कैसे लिख सकते हैं कि जो आपकी 1 यूनिट है एनर्जी की, उसके अंदर क्या होगा, 1 किलो वाट आर के इक्वल होगी। 1 यूनिट ऑफ एनर्जी किसके इक्वल होगी, 1 किलो वाट आर के इक्वल होगी, और किसके इक्वल होगी, ये होगी आपकी 3.6 इंटू 10 रेस टू पावर 6 जूल। तो आप बोल सकते हैं एक यूनिट 1 किलो वाट आर के इक्वल है, और 1 किलो वाट आर में कितने जूल होंगे आपके, 3.6 इंटू 10 रेस टू पावर 6 जूल। एक तो आप इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं 3.6 इंटू 10 रेस टू पावर 6 जूल, और एक मैं आपको बताऊंगी भी कि ये मैंने 1 किलो वाट आर को इतने जूल के इक्वल क्यों लिखा है। तो जितनी भी आपको यहाँ पे यूनिट गिवन है आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे,
3.6 × 10⁶ जूल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास जो यूनिट है उसको आप किस में बदल पाओगे, जूल में बदल पाओगे। तो देखिए वन यूनिट इतने जूल के एक वाला, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3.6 × 10⁶ जूल। और कितने यूनिट है हमारे पास एनर्जी की, 250 यूनिट है, तो हम 250 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6 × 10⁶ जूल से। जब हम 25 की 36 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास 900 आ जाएगा, और जो पीछे की जीरो है वो काउंट करके हमने यहाँ पे लिख दी है। तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं 9 × 10⁸, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ना आपको, ठीक है। तो आपके पास कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, 250 यूनिट ऑफ एनर्जी अगर जूल में बोला जाए उसको, 9 × 10⁸ जूल, मतलब 250 यूनिट 9 × 10⁸ जूल के इक्वल होगा। अब देखिए जो मैंने यहाँ पे 3.6 × 10⁶ आपको बताया है वो कैसे आया है, वो कैसे लिखेंगे आप, तो देखिए आपको मैंने अभी बताया था जो वन यूनिट है वो किसके इक्वल होगा, वन यूनिट इज इक्वल टू 1 kWh के इक्वल। और 1 kWh में कितने जूल होंगे वो चेक कीजिए अभी, देखिए 1 kW के अंदर कितने वाट होंगे, 1000 वाट। और एक घंटे में कितने सेकंड होंगे, 3600 सेकंड होंगे, 3600। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना हो जाएगा, 3620 यहाँ पे इसके पीछे और 3 जीरो यहाँ पे, तो टोटल में कितने जीरो लगा सकती हूँ यहाँ पे, 50, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.6 × 10⁶। अगर हम यहाँ पे डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3.6 × 10⁶, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसके पीछे जूल कैसे लिखा है, किलो वाट से हमने वाट में चेंज किया, ठीक है। तो वाट को हम क्या लिख सकते हैं, पावर की यूनिट होती है वाट, तो पावर को हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी की यूनिट क्या होगी हमारी जूल, और टाइम की यूनिट क्या होगी हमारी सेकंड। तो यहाँ पे जो इसके पीछे जो यूनिट लगेगी वो क्या लगेगी, जूल पर सेकंड, या जूल बाय सेकंड लिख दीजिए आप। और जो हमारे पास आर है, जो टाइम है, वो 3600 जो हमारे पास एक आर में सेकंड्स आए थे, तो इसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड होगी। तो सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैंसिल। तो हमारे पास जो यूनिट आ जाएगी वो पीछे क्या आ जाएगी, जूल। पता चल गया होगा ना आपने यहाँ पे जूल क्यों लिखा है, 1 kWh को जूल के इक्वल क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ पे पहले वाट की जो किलो वाट से वाट में चेंज करके उसकी यूनिट लिखी जूल पर सेकंड। टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड है, एक सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, जूल। या फिर डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को इस तरह से वन यूनिट को जूल के इक्वल आप याद रख लीजिए और कितनी भी यूनिट हो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेज टू अ हाइट ऑफ 5 m अबव द ग्राउंड, वट इज़ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स हाफ वे डाउन। देखिए क्या बोला गया, आपको कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, जैसे मान लिया हमने ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है 40 kg, कितना मास दिया गया है यहाँ पे 40 kg। इस ऑब्जेक्ट को कितनी हाइट पे हमें लेके जाना है, 5 m हाइट, मतलब यहाँ से इसको हमें कहाँ पे लेके जाना है, यहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ लेके जाना है, यहाँ लेके जाना है, मान लिया हम यहाँ पे ले गए इसको, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है जहाँ से हमने चलना शुरू किया और जहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को हमें पहुँचाना है 40 kg मास वाले को, यहाँ से और ग्राउंड के बीच की जो डिस्टेंस है हाइट से ग्राउंड के बीच की, तो वो कितनी है, 5 m। वट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, आपको क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। मास कितना है इस ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे 40 kg, और उसके बाद जो हाइट है, हाइट कितनी है आपको यहाँ पे गिवन है 5 m, यहाँ पे जूल नहीं मीटर आएगा, 5 m। और जो यहाँ पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो कितनी होगी, 9.8 m/s, 9.8 m/s। तो 9.8 वैल्यू रख दी हमने, ये 9.8 क्यों रखी है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फोर्स, यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करेगा यहाँ पे, तो जी की वैल्यू क्या रखी जाएगी, जो हमारी अर्थ की ग्रेविटी है 9.8, हाइट हमें गिवन है 5 m, जी की वैल्यू हमें पता है, मास हमें गिवन है ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी इसको सोल्व करने के बाद, वो आएगी 1960 जूल। अब उसके बाद जो सेकंड पार्ट इन्होंने बोला है कि पहले तो आप पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, निकाल दिया हमने। अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंका जाए, ठीक है, ऊपर से क्या किया जाए, नीचे उसको फेंका जाए, तो उस टाइम पे जब वो रास्ते में बीच में है, मतलब मान लिया टोटल 5 m का है,
जो उसके बीच की जो डिस्टेंस है, अगर वो 2.5 मीटर पे जब वो पहुंचता है तो उस टाइम पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। हमें क्या निकालनी है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। न्यूमेरिकली भी आप निकाल सकते हो काइनेटिक एनर्जी को यहाँ से, ठीक है, लेकिन आप इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली भी इसका आंसर कर सकते हो। देखिए डायरेक्टली कैसे आंसर करेंगे आप, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी ऑब्जेक्ट की वो हमेशा क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। अभी पीछे बताया था ना मैंने आपको, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। जब ऑब्जेक्ट बीच रास्ते में पहुंचेगा 2.5 मीटर डिस्टेंस पे, तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जितनी थी वो आधी हो जाएगी, ठीक है। मान लिया 100 थी तो 50 हो जाएगी, जितनी उसकी एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी वो हाफ हो जाएगी, ठीक है, ओरिजिनल एनर्जी के, जितनी भी ओरिजिनल है उसके पास। और जो हाफ है उसकी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। जो रिमेनिंग हाफ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो आप बोल सकते हो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, जितनी उसकी एनर्जी थी टोटल उसको आप क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास 980 जूल।